तो गाइस एक ऐसी चीज जिस चीज को देखने के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई भाई, ये चीज पहली बार दिखा रहा हूँ। बहुत अमेजिंग इगुआना। कौन सा इगुआना है ये? स्नो इगुआना है। स्नो इगुआना यार, ये तो बहुत अमेजिंग कलर है, एक्टिव एकदम। ये वही बिच्छू है क्या जो बॉबी देओल को उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई 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 कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भगवान का बनाया हुआ बहुत अलग क्रिएचर है ना, बहुत अलग क्रिएचर है। चला जाएगा 10 फीट तक का चला जाएगा। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूँ फिलहाल बॉम्बे के अंदर और बॉम्बे में मैं फिलहाल आ जाया हूँ हमारे एक ऐसे भाई से मिलने जिनके पास जो है इतनी अमेजिंग कलेक्शन है एक्जॉटिक एनिमल्स की, चाहे वो रेप्टाइल्स हो चाहे वो हो स्कॉर्पियन। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। तो अभी पीछे में भाई के घर के बिल्कुल बाहर हूँ, चलिए आपको भाई से मिलवाते हैं। कैसे हो भाई जान, कैसे हो? सब बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो भाई फिलहाल हमारी बात हो रही थी बहुत टाइम से भाई से और आज भाई के यहाँ पर आना हुआ है। सो भाई कितने टाइम हो गया आपको इतने सारे आपने रेप्टाइल्स रखे हुए हैं इतना सारा कुछ, और बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे चीज़ें मेंटेन करना इतनी मुश्किल है? पुलकित भाई मैं 2013 से ऑलमोस्ट हॉबी तो पहले से कर रहा हूँ, लेकिन 2013 से प्रॉपर बोला जाएगा तो 2013 से। अच्छा हाँ। तो 2013 से अब तक कितनी चीज़ों में चेंज आया, लाइक बहुत सारी कलेक्शन आपने चेंज किया? बहुत सारे, पहले रोडेंट्स में था, फिर रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एक्जॉटिक पेट्स। वाओ, अभी फिलहाल आपके पास यहाँ पर कितने पेट्स हैं, मतलब एक आपने अभी कितनी कलेक्शन आपने जो अपने पास पर्सनल रखी हुई है? सही बताओ तो मुझे भी खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना कलेक्शन है स्टिल। क्या मतलब कोई एक नंबर क्या, और कितने टाइप के एनिमल है? चलो कितने टाइप के मैन, टाइप के बोलो तो मेरे पास रहेंगे 25 से 30 टाइप के रहेंगे। 25 से 30 टाइप का एनिमल, वाओ। तो गाइस बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है बिकॉज 25 से 30 टाइप का एनिमल और साथ स्पेशली बॉम्बे मैंने अब तक ऐसी कोई भी बंदे को कवर नहीं किया जिसके पास इतनी अमेजिंग रेप्टाइल की कलेक्शन हो। तो लो गाइस सबसे पहले भाई ने जो है हमें इनके पास जो है वाले कर दिए, ये है कैट। तो आपके पास कितने कैट है फिलहाल भैया? टोटल 12 कैट है। ओके, और ये तो मेरे को लग रहा है कि बंगाल कैट लग रही है मुझे, उठाओगे इसको एक बार बस। क्या नाम है इसका? ये बंगाल कैट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है खान। अरे एकदम प्यार से। वाह। हाँ, ये जो मैं लाया था स्टार्टिंग में लाया था सबसे पहले। क्या बात है जी। हे खान, बड़ा प्यारा है यार भाई, क्या कंडीशन है इसके। गोल्डन रोजेट है और मार्किंग भी जो इसकी ना पुलकित भाई, क्लाउडेड मार्किंग एकदम। ये गोल्डन रोजेट अलग होता है कुछ बंगाल का, मतलब मार्किंग में बहुत अच्छा मार्किंग माना जाता है इसका। अच्छा, मार्किंग एकदम प्रॉपर रहेगा इसका। वाह, बहुत सही है। और दूसरे वाली क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कटप्पा। कटप्पा। अरे वाह, तो यहाँ पे देखो कितना अमेजिंग भैया ने जगह का यूटिलाइज किया, इनके एक सेटअप बनाया हुआ है पूरा खेलने के लिए। गाइस पता क्या सीन क्या होता है कि आप इतने सारे एनिमल्स जब आप रखते हो, इतने सारी बढ़िया कलेक्शन जब आप बनाते हो ना, तो आपको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और आप सबसे मेन टास्क रहता है बम्बई या दिल्ली जैसे शहरों में छोटी जगह को यूज़ करके सबसे बढ़िया सेटअप बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज की हुई है, तो एक एक करके सबको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को आप कौन सा रेप्टाइल दिखा रहे हो अपना, आपका फेवरेट कौन सा इनमें? मेरा फेवरेट है रेटेल बोवा। अच्छा, फिर सेकेंड, ऐसे तो सभी फेवरेट है ये सब। ओ भाई, उन पर तो मेरी नजर ही नहीं गई, ये कहाँ बैठे हैं? अरे वाह, इन पे तो नजर ही नहीं गई यार मेरी, इनका कभी केज नहीं बनाया। अरे मैंने एक और है, वाओ ये तो बच्चा लग रहा है। एक और, एक वहाँ पे भी है, दो और। अच्छा, बहुत अच्छा से यूटिलाइज किया हुआ है भाई स्पेस, बहुत बढ़िया। ये पैर है, ये पैर है, कितनी एज है इनकी? इनकी एज रहेगी ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर है। वाओ, बहुत एक्टिव है यार जी। ये ग्रीन इगुआना ज्यादा एक्टिव होते हैं मैंने देखे हैं दूसरे कलर वालों से। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन इगुआना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हेल्दी भी अच्छे रहते हैं और मैंने इनको ऐसा मेंटेन भी किया। वो गुस्सा कर रहा है वो, ऐसे ऐसे हाँ, बात करते हैं लोग आपस में। वाह यार, बहुत सही बहुत सही। तो भाई अभी बारी है भैया हमारे को दिखा रहे हैं उनका फेवरेट जो स्नेक है, दिखाओ ना यार एक बार प्लीज, आपका जो खुद से पसंदीदा स्नेक है। वाओ, कौन सा स्नेक है ये? रेटेल बोवा है पुलकित भाई। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट 10 फीट तक का चला जाएगा। 10 फीट तक का चला जाएगा। और आपने देखे रहेंगे इमरान खान बेवफा गाने में जो जो सॉन्ग में जो स्नेक उनके नेक पे है ना, वो हाँ रेटेल बोवा। ओके ओके ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटी गाइस, देख रहे हो इसका जो पैटर्न है बॉडी का,
वो उसे बहुत डिफरेंट बनाता है। तो गाइज ये जितने भी स्नेक आप देख रहे हैं सभी लीगली आप इनको रख सकते हैं घर पे, बिकॉज दे आर नॉट जहरीले आप कह सकते हो। और ये ब्रीड होते हैं, ये इंटरनेशनली ब्रीड होते हैं, ये इंडियन स्पीशीज नहीं है जिसमें आप लीगली आपको कोई दिक्कत हो रखने में, है ना। इनके सर्टिफिकेट्स बनते हैं, इनके लाइसेंस बनते हैं, पेपर भी है मेरे पास अवेलेबल। तो इनके प्रवेश पोर्टल से, जैसे जो कहते हैं हम बेसिकली रेप्टाइल्स के लिए या अलग अलग ऐसे एनिमल्स जो आप लीगली रख सकते हो उनके लिए आप इनको गवर्नमेंट रजिस्टर करा के घर पे पैसे पेट रख सकते हो। तो यार इनके लिए आप बहुत छोटा स्पेस, जैसे आप लोगों के बहुत कमेंट आएंगे कि आपने इनको ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है या इनका जैसे आपने एक्वेरियम बनाया हुआ है उसमें रखा हुआ है, तो क्या इनको मतलब बड़ा स्पेस चाहिए होता है छोटा स्पेस चाहिए होता है? इनको ऐसा स्पेस चाहिए रहता है ना पुलकित भाई, ये जो स्पेस है ना इसके लिए 2 फीट के हिसाब के लिए बहुत परफेक्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा डर, क्योंकि इनको ज्यादा बड़े में रखना बोले तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। अच्छा हाँ, तो ये साइज जो मैंने रखा हूँ 1/2 फीट का साइज, ये इनके लिए मतलब ये है कि विद टाइम आप सेटअप बढ़ा करते रहो। जी जी, जैसे इनकी वो इनकी हाइट बढ़ेगी बिल्कुल। और एक बात बताना चाहूंगा पुलकित भाई, मैं इसका हाइडिंग प्लेस भी है। अच्छा। लेकिन मैं भी आपको दिखाने के लिए फटाफट ये सब रखा हूँ, नहीं तो कोई भी चीज हो पेट्स के अंदर, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, उनको हाइडिंग प्लेस देना, वाटर बॉल रखना, ये कंपलसरी है। हाइडिंग प्लेस होना चाहिए वो, चाहे वो कोई भी पेट हो, हाइडिंग प्लेस कंपलसरी है। तो इनका हाइडिंग प्लेस है प्रॉपर, और वाटर बॉल है, हर चीज रहेगा मतलब। तो अभी बारी है स्कॉर्पियन दिखाने की। तो भाई जो ये बहुत सारे लोग कहेंगे ये सेटअप में आपने ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं, हाँ ये मेरे को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए हमने सारी चीज़ें ऐसी भाई ने सेटअप किया है, बिकॉज आई वॉन्ट एंड एवरी थिंग टू बी ऑन टाइम, है ना, कि हमारे को एक ही जगह पे सारा कुछ दिखाना है। जी, ओ माय गॉड, ये एम्परर स्कॉर्पियन है पुलकित भाई, इसकी 8 साल की लाइफ स्पैन सी है। हाँ जी, और एकदम ये वही बिच्छू है क्या जो बॉबी देओल को उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉन वेनमस है, इसमें जहर वगैरह कुछ नहीं है, और विद पेपर अवेलेबल है मेरे पास। अरे, और ये मैंने खुद ब्रीड किया हूँ। अच्छा जी जी, इसके बेबीज भी मेरे पास हमेशा आपको साल के 12 महीने मिलेंगे। ओके जी, इसके मेरे पास 4 फीमेल और 2 मेल है। तो अगर जैसे कोई घर में रख रहा है तो इसको एक एक्वेरियम का, एक मिट्टी सैंड का एक्वेरियम बना के उसको रख सकता है? रख सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ना हो कि ज्यादा उजाला हो 24 घंटे। अच्छा जी, इन लोगों को मतलब कम से कम 12 से 15 घंटा सर प्राइवेसी चाहिए। ओके, जिसमें लोग एकदम कंफर्ट फील कर सके। तो इनको इनका स्पेस देना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाना पीना छोड़ देंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल, अगली चीज जो है हमें भाई दिखाने वाले हैं वो ये है क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये सवाना मॉनिटर है। अच्छा, बहुत प्यारी चीज है ये। हाँ, ये एज अ डॉग जैसा आप इसको ट्रेन करके रख सकते हो बाहर। अच्छा, कंट्री में हो सकता है? बिल्कुल, बाहर कंट्री में तो इसको पट्टा, जैसे आप डॉग को पट्टा डाल के घुमाते हैं ना। हाँ, वैसे इसको घुमाया जाता है। ओ माय, बहुत इजीली, बहुत मस्त ट्रेंड होते हैं सवाना मॉनिटर है। वाव जी, इसका साइज जाएगा ऑलमोस्ट 5 फीट तक का चला जाएगा। अच्छा जी, और आराम से लाइफ स्पेंसी भी अच्छी है इसकी, 25 से 30 साल तक के जीते ये। वाव, बहुत अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। इसमें 2 कलर है अपने पास। अच्छा, एक लाइट स्किन है और एक हल्का सा ब्लैक है, ब्लैकिश में। तो इनमें कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दो ज़्यादा कलर तो नहीं आते इसमें भाई, खाली शेड बोल सकते हैं अपन, मॉर्फ बोल सकते हैं, म्यूटेशन। सही है यार, बहुत अमेजिंग क्रिएचर है यार ये। देखना भैया ने इन सबको ऐसे बिठा रखा है जैसे ट्रेन, लोकल ट्रेन में लोग चढ़ते हैं ना, वैसे ही भैया ने इनको अपने हाथ में। मुंबई लोकल विरार टू चर्चगेट भाई, खतरनाक लग रहे हैं। सही है, बहुत सही। मुझे ऐसा लगता कि मैं अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कभी कभी ना कि मैं रेप्टाइल कभी पेट नहीं रख पाऊंगा, बट जैसे मैंने थोड़े टाइम के लिए इगुआना रखा, उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो रेप्टाइल लवर हैं, तो मुझे धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मैं शायद रेप्टाइल के साथ भी एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। और लोग करते भी हैं रेप्टाइल्स, हम सोचते हैं कि रेप्टाइल के साथ गोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बट इगुआनास के साथ एक ऐसा अमेजिंग बॉन्ड बनाया जा सकता है, स्नेक के साथ भी एक ऐसा अमेजिंग बॉन्ड बनाया जा सकता है जो समझ आए, आप समझ रहे हो ना, कि आपका पेट बन के रह सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला है एक बहुत अमेजिंग इगुआना, कौन सा इगुआना है? ये स्नो इगुआना है पुलकित भाई, स्नो इगुआना है। ये तो बहुत अमेजिंग कलर है, हेल्दी है, एक्टिव एकदम। कितनी एज है इसकी? इसकी ऑलमोस्ट हो गई 10 महीने के आसपास। तो स्नो इगुआना यार बहुत प्यारा है, ये तो बहुत अमेजिंग कलर है, मैंने भी खुद पहली बार ये कलर देखा। एक्टिव है, सबसे मेन चीज है ये, बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब इतने एक्टिव रेप्टाइल, इतना एक्टिव इगुआना मैंने नहीं देखा, बहुत तेजी से भाग रहा है वो, बड़ा शरारती लग रहा है मुझे। वाह। तो गाइज एक ऐसी चीज जिस चीज को देखने के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई भाई, ये चीज पहली बार दिखा रहा हूँ। और इधर हमजा आया, क्या हाल है हमजा, साइक आया उसके साथ। तो
इनके हुड में आया हूँ तो भाई सोचा इन्हें मिले के बिना नहीं जाऊँगा। और ये भाई ये है हैमस्टर। ओ भाई भाई, अच्छा हैमस्टर में और जो नॉर्मली हमें गिनी पिग्स या चूहे मिलते हैं उनमें बहुत फ़र्क है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क है। हैमस्टर एक पेट की तरह बहुत इजीली रखा हुआ है, कहाँ कूदेगा। हैमस्टर के अंदर दो वैरायटी रहती है कुलदीप भाई। अच्छा, एक तो होता है रशियन ड्रॉफ हैमस्टर, एक तो होता है रशियन ड्रॉफ हैमस्टर। अच्छा, ये कौन सा है? ये सीरियन है। अच्छा, सीरियन हैमस्टर है, कभी भी आपको बाइट वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, और बहुत फ्लफी रहेंगे, लोग लॉन्ग हेयर रहते हैं एकदम। अच्छा, और ये सीरिया से बिलोंग करते हैं। सीरिया से बिलोंग करते हैं ये देखना कहाँ पे चढ़ी हुई है भाई, ये कैसी अमेजिंग कलेक्शन। लो भाई, इसने तो अभी के अभी शेड की है, पूरा का पूरा स्किन निकाला है इसने नया अपना। वाह, ये बाइट करता है। हाँ, वो कॉर्न स्नेक है। हाँ, पब्लिक को अगर देखेंगे तो किसी को भी लगेगा कॉर्न स्नेक है वो। कॉर्न अच्छा। स्नेक नहीं है वो, कैलिफोर्नियन किंग स्नेक है। अच्छा, हाँ, येलो स्किन है। हाँ, देखो पूरी स्किन है इसकी। ये अभी जस्ट आपके सामने शेड हुए हैं सारी, और इसका जो नया कलर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ओ माय गॉड, इनके जेनेटिक्स भी करवाने पड़ते हैं ना आपको, जेनेटिक रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है मेल और फीमेल के लिए। पड़ता है ओपन। हाँ, में पता चल जाता है इजीली यहाँ से। वाह, ये क्या कितनी है इसकी? इसकी एज ऑलमोस्ट 1 ईयर्स प्लस है। 1 ईयर प्लस। और एक क्या ये कौन सा, ये कौन सा है? ये भी कैलिफोर्निया ही है। अच्छा, कैलिफोर्नियन किंग्स में अल्बाइनो, इसका म्यूटेशन का नाम है अल्बाइनो स्ट्रिप। हाँ, और ये हाई येलो स्ट्रिप्ड है। अच्छा, दोनों भी ब्रीड कैलिफोर्निया की है। ओके, हाँ, ये अल्बाइनो है और ये हाई येलो स्ट्रिप्ड है, दोनों भी फीमेल्स है अपने पास। तो गाइस, इतना सारे सांप, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी सांपों के बारे में गूगल पे पढ़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये एक तो दिखते एक जैसे, ये भाई तुम मुझे मत काटियो यार। तो गाइस, एक अमेजिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो शायद ये, ओ माय गुडनेस, वाओ, ये कौन सा स्नेक है भाई? ये कोंडा हुग्नोज है। अच्छा, इसका फेस देखो आप, एकदम अलग ही रहेगा। हाँ, तो इसका जो चेहरा होता है ना गाइस, इन स्नेक्स का जो चेहरा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। एक इनका इसका नोज देखो, इसका नोज इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। कलर चेक करो भाई, वाओ, ये 3.5 फीट तक का होगा। अच्छा, और ये कॉर्न स्नेक, बॉल पाइथन, ये सबसे मतलब बोले तो एक छोटा बच्चा भी इसको मतलब रख सकता है इजीली एकदम। मतलब एकदम टेम्परामेंट एकदम इसका बहुत बेस्ट टेम्परामेंट रहता है, ये कभी एग्रेसिव नहीं होते। अच्छा, कभी भी एग्रेसिव नहीं होते ये। तो गाइस, मैं आपको बहुत टाइम के बाद दिखा रहा हूँ शुगर ग्लाइडर, तो के भाई ने कितना छोटा सा सेटअप और कितना अमेजिंग सा सेटअप इनके लिए बनाया हुआ है, और एक ही है इसके अंदर। जी जी, एक ही सिंगल फीमेल है। अरे आ जा बाहर। ये फीमेल है पुलकित भाई। हाँ, वाओ, और ये रात में एक्टिव होते हैं, दिन में नहीं। दिन में ऐसे उनको निकालना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि नॉक्टर्नल स्पेसीज है। अच्छा, अरे 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 बाबा, आ जा, अरे आ जा मेरे बच्चा, आ जा। ये ग्लाइड करते हैं, शुगर ग्लाइडर, ये उड़ते हैं। ओ ओ, सुसु कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर सुसु कर दिया। टॉयलेट ट्रेंड भी है। बस मेरे पास आके मेरे ऊपर की, ये अच्छी ट्रेनिंग है भाई, ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। घर पे कोई आए उसको सुसु कर दो। नहीं, प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये खाती क्या है, इसकी क्या डाइट रहती है? ये सेरेलेक खाती है। अच्छा, और एप्पल, ऑरेंज, फ्रूट्स, मीठी चीजें। जी, और मील वॉर्म दे सकते हैं आप इंसेक्ट में, सुपर इसको उड़ा के दिखा सकते हैं। ये भी जगह बदली हुई ना। हाँ, और इतने सारे लोग को देख के नहीं करेंगे वैसे, बहुत जम मारती है। तो फिलहाल के लिए जो है इतना सारा चीजें जो आपने दिखाई, थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। सो भाई का जो है, आप सभी इनके इंस्टाग्राम पे, इनके सोशल मीडिया पे, इनके यूट्यूब पे इनको फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, और स्पेशली अगर आप बॉम्बे से हैं और आप कुछ भी ऐसी एग्जॉटिक चीज को है आप लेना चाहते हैं, या फिर इनको स्पेशली आप देखना चाहते हैं, तो आप भाई से कॉन्टैक्ट करें। और भाई जो है बॉम्बे के अंदर रहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे जैसे शहर में ना, अगर आप एक पेट लवर हो और आपको एक पेट चाहिए, अगर आपको डॉग या कैट से ऊपर उठना है, तो ये रेप्टाइल्स बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। सो मेक श्योर आप सभी चेक करें। थैंक यू सो मच भाई जान, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे को अपना टाइम दिया, एंड इतने सभी बच्चों से मिलके तो और ज़्यादा अच्छा लगा। आपको भी बहुत थैंक यू भाई, आप इतने दूर से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अभी जल्दी दोबारा आएंगे तो दोबारा और बहुत सारी चीज़ें दोबारा से कवर करेंगे। डन, थैंक यू सो मच भाई जान, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।